नमस्कार दोस्तों, नीतू सिंह की देसी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं चूर चूर नान, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी होती है। चलिए शुरू करते हैं। आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो लगाएंगे। तो हम सबसे पहले ये हाफ कप मैंने मैदा के लिए हाफ कप मैदा, ये 1 कप आटे का और 1 कप आटे का हमने और लिया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। हमने 2 कप आटा और 1/2 कप मैदा लिया है। इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसमें हम थोड़ा सा सोडा डालेंगे, मीठा सोडा थोड़ा सा डालना है हमें। और इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा। और थोड़ा सा हम अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा डालना है हमें, स्टफिंग में भी डालना है। अब इसमें हम घी डालेंगे। घी की हमने ये 1 चम्मच घी की मोयन के लिए लिया है। इससे क्या है कि बहुत ही कस्ता और बहुत ही टेस्टी बनती है हमारे कुलचे। अब इसका हम डो लगाएंगे। डो हमें गुनगुने पानी से लगाना है, ठंडे पानी से नहीं लगाना है। पहले हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमें मिक्स करना है बिल्कुल घी को अच्छी तरह। बहुत ही सॉफ्ट वाला डो बनाएंगे। ये हमने मिक्स कर दिया है। अब हमको मिक्स करके ऐसे चेक करना है। ये देखिए हमारा मोयन बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसका हम डो लगाएंगे। हम डो लगाएंगे। डो लग के तैयार है। अब इसको हम हल्का सा घी लगाएंगे। ये आटा बाहर से सूखे नहीं, दो हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम कपड़े से ढक देंगे। अब इसे हम कम से कम 15 मिनट तक रखेंगे। हमने 4 से 5 आलू लिए हैं। हमने आलू हम थोड़ा सा मैश करेंगे। स्टफिंग बनानी है हमको। अब सबसे पहले हम इसमें लाल मिर्ची डालेंगे स्वाद अनुसार। इसमें थोड़ी सी हम सौंफ डालेंगे। हम इसमें जीरा डालेंगे। ये मैंने कच्चा जीरा सेक के पीस के और फिर डाला है। इसमें थोड़ा सा हम अमचूर डालेंगे। अमचूर थोड़ा सा खट्टा टेस्ट के लिए डालते हैं। अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप ना हटा सकते हैं। इसकी जगह आप नींबू भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम प्याज डालेंगे। प्याज मैंने 1/2 प्याज लिया है। और आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ा और ज़्यादा ले सकते हैं। और इसको अब हम मिक्स करते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। हमने तवा चढ़ा दिया है। अब हम नान बनाना शुरू करेंगे। हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। आटा बिल्कुल तैयार है हमारा। ऐसे हम छोटा सा ये देखिए हम पेड़ा बनाएंगे। उसका ऐसे पेड़ा बनाएंगे बनाएंगे। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा बेलेंगे। ज़्यादा नहीं बेलना, हमें छोटा सा बेलना है। ये देखिए ये हमने चपाती तैयार कर ली छोटी सी। अब इसमें हम थोड़ी सी फिलिंग डालेंगे। ये देखिए ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ी सी डालनी है हमें। डालेंगे इसको हम। अब हमें ऐसे फोल्ड करना है। ये हमने चपाती छोटी सी चपाती बनाई है। इसमें ये स्टफिंग डालेंगे और इसको अब हम फोल्ड करेंगे। आराम आराम से फोल्ड करना है आपको। ये देखिए हमारी बिल्कुल फोल्ड हो गई है, बिल्कुल अंदर है। अब इस टाइम पे हमें इसमें सूखा आटा डालना है, हमें हल्का 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 ऐसे करके। और हमें हाथ से ही तैयार करना है। अब इसमें थोड़ा सा हम हरे धनिया डाल लेंगे। ये देखिए इसे लगाएंगे और हमें हाथ से ही तैयार करना है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सूखा आटा भी डाल सकते हैं ऐसे। हम इसमें बेलन नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, हमें हाथ से ही तैयार करना है। ये देखिए हमारी ये 1 कुलचा नान, जो भी आप बोलना चाहें वो तैयार है।
अब इसको हम तवे पे सेकेंगे। अब ये हमारी तैयार हो गई है। अब हमें तवे पे डालने से पहले हमें हल्का सा इसमें पानी के हाथ लगाना है, हल्का सा। अब इसको हम ऐसे कैसे तवे पे डालेंगे, हम तवे पे डाल देंगे ऐसे, हल्के हाथ से हमें दबाएंगे, ये देखिए। अब इसको बिल्कुल धीमे आंच पे हमें सेकना है। ये हमारी साइड साइड से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी देखो फूल गई है, ये देखिए। अगर आप चाहें तो इसको तवे पर से पलटी करके और ऐसे भी सेक सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं सीखा जाता हो तो आप ऐसे निकाल के चिमटे से और वैसे भी सेक सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही सेक के बताती हूँ। अभी हमारी नीचे से थोड़ा सिक गई है, तंदूरी टेस्ट आ गया है, ये देखिए बिल्कुल तंदूर जैसा लगा है। अब इसको हम धीमे धीमे आँच पे हमें तवे पे ही सेकना है, बिल्कुल धीमे आँच पे सेकना है। और हम चेक करेंगे, चेक करेंगे ये देखिए कितना अच्छा टेस्ट रहा है। बिल्कुल धीमे धीमे आँच पे सेकना है हमें, दबा दबा के हल्का हल्का। हम अब पलटी करेंगे इसको थोड़ा सा, ये देखिए कितना अच्छा टेस्ट आया है। अब इसको हम बिल्कुल धीमे धीमे आँच पे सेकना है, बिल्कुल धीमे धीमे आँच पे हल्का सा दबाएंगे। अब हम चेक करते हैं, ये देखिए कितना अच्छा टेस्ट आया है। अब इस पे हम चेक करते हैं कितना सिका है हमारा, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह सिक गया है। अब हम इसे आँच पे सेकेंगे, अब हम धीमे धीमे आँच पे नीचे सेकना है। तो मैं बिल्कुल तंदूर जैसा लगेगा नीचे धीमे आँच पे सेकेंगे हम। तो बिल्कुल धीमे धीमे आँच पे सेकना है, कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे, कितना अच्छा इनका कलर आया है, बिल्कुल तंदूर जैसे लग रहे हैं। आप तो अगर तंदूर नहीं हो, ओवन नहीं हो तो आप हाथ से भी बिल्कुल घर में गैस पे बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल सिक्के हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम सर्व करते हैं, कितना अच्छा कलर और कितने सॉफ्ट बनी है हमारी ये नान। ये आप पनीर की सब्जी के साथ खाइए या छोले के साथ खाइए, या अगर छोले के साथ नहीं तो दाल मखनी के साथ खा सकते हैं, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लगती है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगती है, और बना के जरूर खाइए आप घर में। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।